नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा के बारे में। काफ़ी भाई मुझे पूछते हैं कि सर कनाडा विजिट वीज़ा लेके हम वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या फिर विजिट वीज़ा लेके हम अगर वहाँ पे जाएंगे क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या हम वर्क परमिट पे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे विजिटर वीज़ा का बेनिफिट क्या है, विजिट वीज़ा लेके विजिट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। एंड मैं तो कहूँगा दोस्तों वर्क परमिट के पीछे भागने से अलावा आप विजिट वीज़ा लेके कनाडा पे जाएं, वहाँ पे जाके आप कोई एक स्पॉन्सर देख ले या फिर कंपनी को कंपनी अच्छा कंपनी देखें, वहां पे जाकर आप कंपनी के इंटरव्यू दे, अपनी जॉब ढूंढे, फिर आकर होम कंट्री आकर फिर अपनी वर्क परमिट के प्रोसेस करवाए। तो मेरे हिसाब से यही अच्छा लगता है, क्योंकि सब देखिए दोस्तों सबको तो वर्क परमिट अच्छा लगता है, वहां पे जाके काम करने के लिए तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन वर्क परमिट में बहुत बड़ा डिमेरिट पॉइंट यह है कि अगर आप होम कंट्री से अपने वर्क परमिट कनाडा का लेना चाहते हैं तो इसमें 99.9 स्कैम होते हैं इसमें। एंड जो अमाउंट अगर हो भी जाता है, अगर जो अमाउंट एजेंसी चार्ज करते हैं तो बहुत आता है, 20 लाख 25 लाख 30 लाख इंडियन करेंसी में चार्ज होता है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो विजिट वीजा जो विजिटर वीजा है कनाडा का, तो बेनिफिट नंबर वन ये है कि इतना पैसा विजिटर वीजा के लिए इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है आपको। पहली बात, इतना पैसा नहीं देना पड़ता है किसी एजेंट्स को, विजिटर वीजा आप खुद अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी प्रोफेशनल से आप अप्लाई करवा सकते हो। मेरे हिसाब से यही होगा कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल से आप अप्लाई करो, क्योंकि कनाडा विजिट वीज़ा में अगर आप खुद अप्लाई करोगे आपको नहीं पता होगा डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या प्रोवाइड करना है, कवर लेटर मैं आगे बताऊंगा कवर लेटर कैसे प्रोवाइड करना है। तो आप मेरे हिसाब से अच्छा होगा किसी अच्छे प्रोफेशनल से आप अप्लाई करें। तो पहले हम दोस्तों जानते हैं कनाडा विजिटर वीज़ा का बेनिफिट क्या है। विजिटर वीज़ा का बेनिफिट पहले यही है कि पहले तो आपको कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है या कम पैसा लगता है विजिटर वीज़ा के लिए। एंड उसके बाद दूसरे बेनिफिट है, कनाडा विजिटर वीज़ा वैलिडिटी उसका 10 साल तक रहता है। एग्जैक्टली, आपका 10 साल तक कनाडा विजिटर वीज़ा का वैलिडिटी रहता है। एंड इसका जो एक सिंगल एंट्री पर आप जब एंट्री करते हो, सिंगल एंट्री बोलते हैं आप, एक बार एंट्री में आपको 6 मंथ का वैलिडिटी मिलता है। उसके बाद दो ही रास्ता है आपके पास, आइदर 6 मंथ के बाद आप अपनी होम कंट्री आ जाओ या फिर अपनी वीज़ा को एक्सटेंड करवाओ या फिर रेनवल करवाओ। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो भी आपको फॉर्म 6 महीने के बाद अगर आप वीज़ा रेनवल करते हो कनाडा पे, तो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है, सोर्स ऑफ इनकम, जैसे कि आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो या एक्सटेंड कर रहे हो उसके लिए आपके पास सफिशियंट फंड है कि नहीं। तो दोस्तों और एक जो विजिटर वीज़ा के नेक्स्ट जो बेनिफिट है, आप वहाँ पे जाके अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप वहाँ पे जाके अपना खुद का बैंक अकाउंट कनाडा पे ओपन कर सकते हो, वो भी विजिटर वीज़ा में। एंड आपका अगर लाइसेंस है आपकी होम कंट्री में, आपके पास डीएल है, आपको गाड़ी चलाना आता है, चाहे वो ट्रक हो चाहे हैवी व्हीकल हो लाइट व्हीकल हो, आप लाइट व्हीकल का लाइसेंस ले सकते हैं। आप अगर हैवी व्हीकल जाते हो तो हैवी व्हीकल का अगर चाहे तो कनाडा में आपका टूरिस्ट वीज़ा में या विजिटर वीज़ा में आपके जाके आपका लाइसेंस भी ले सकते हैं। और जो बेनिफिट है दोस्तों आपकी विजिटर वीज़ा में, आपके अगर कनाडा में होम बाय करना चाहते हैं, होम लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो कनाडा गवर्नमेंट वो भी अलाउ करता है विजिटर्स को, आप वहाँ पे जाके घर भी ले सकते हैं। बस एक काम आप नहीं कर सकते हो, आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते हो। यस, आप जाके काम करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत होता है। एंड अगर विजिट, जैसे कि हम सारे भाई पूछते हैं विजिट टू हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इलीगल है कनाडा के अंदर, अगर पकड़े गए तो आप लाइफ बैन भी हो सकते हो, तो कनाडा के लिए आपका पासपोर्ट ब्लैकलिस्टेड भी हो सकता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद कोई कंसल्टर को बताए आप वहाँ पे विजिट पे जाए, वहाँ पे मैं आपको कन्वर्ट करवा दूंगा या वर्क परमिट आपको मिल जाएगा, तो ये गलत बात है, ये दिमाग में हटा दें। तो मेरे सजेशन क्या है, अगर आप विजिट वीज़ा में जा रहे हो, अगर काम के प्रपोजल कभी इंटेंड मत करो, आप जब इंटरव्यू देंगे या वीज़ा के लिए आप अप्लाई करोगे कभी मत बताइए मैं काम के लिए या काम के लिए जा रहा हूँ या जॉब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसे मत बताइए, क्योंकि आपका वीज़ा 100% रिफ्यूजल हो जाएगा। दूसरी बात, मेरा सजेशन यही होगा आप वहाँ पे जाए अपना स्पॉन्सर, अच्छा स्पॉन्सर अगर वहाँ पे ढूंढ सकते हो, अच्छा स्पॉन्सर अगर वहाँ पे ढूंढ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। कंपनी अगर मिलता है, देखिए अगर वैकेंसी है वहाँ पे, आप जाके खुद इंटरव्यू दीजिए, वापस अपना होम कंट्री आके वो वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई करिए उस कंपनी से। तो अब दोस्तों जानते हैं कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए हमें चाहिए। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों कनाडा विजिटर वीज़ा चाहिए, वो है सोर्स ऑफ इनकम। आप जो होम कंट्री में क्या करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपको इनकम टैक्स वगैरह दिखाना पड़ता है। अगर आप जॉब करते हो तो आपका कंपनी का सैलरी स्लिप वगैरह 4 महीना का डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना पड़ता है कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए, प्रूफ सोर्स ऑफ इनकम होता है। उसके बाद आते हैं प्रूफ ऑफ फंड, आपके बैंक अकाउंट में सफिशियंट फंड है कि नहीं, दौरान आपकी जब कनाडा विजिट करो, जब जितना दिन आप स्टे करो उतना दिन का आपके पास रहने खाने आपका एक्सपेंसेस का खर्चा आपके पास है कि नहीं, वो बैंक अकाउंट का आपको डिटेल्स वहाँ पे दिखाना पड़ता है विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको दिखाना पड़ता है ट्रैवल हिस्ट्री, कि आप होम कंट्री से पहले किस कंट्री को ट्रैवल किए हैं कि नहीं किए हो।
तो बहुत मैंडेटरी होता है ट्रैवल हिस्ट्री कनाडा का विजिटर वीजा के लिए। उसके बाद आता है प्रॉपर जॉब विजिट, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, एक प्रॉपर जॉब विजिट में दिखाना पड़ता है, पूरा आपका कवर लेटर बना के उनको शो करना पड़ता है। आपको जो विजिट में कनाडा जा रहे हैं इतना दिन के अंदर आप कहाँ कहाँ पर रह रहे हो, अगर आप रिलेटिव के तो रिलेटिव पे वहाँ पे कनाडा में रिलेटिव है तो वहाँ से एक इन्विटेशन लेटर चाहिए। अगर आप बिजनेस पर्पज से किसी सेमिनार से वगैरह जा रहे हो तो कंपनी से कंपनी का आपका NOC चाहिए। ये सब चीज़ें आपका प्रपोज ऑफ विजिट में दिखाया जाता है। एंड पूरी आपका लिस्ट एक कवर लेटर में दिखाना पड़ता है, इस तरीके से आप इस तरीके से यहाँ पे जा रहे हो, इस तरीके आपको ये आप एक्टिविटीज़ कैनेडा पे रहेगा, ये आपको करना है, पूरी कवर लेटर में दिखाना पड़ता है। एंड उसके बाद अगर मेन टॉपिक जो है आप, मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर विजिट वीजा कैनेडा का अप्लाई करते हो तो किसी अच्छे प्रोफेशनल से अप्लाई करवाओ, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है कैनेडा विजिटर वीजा के लिए बहुत टफ होता है। ऐसे कि नहीं कि जैसे गल्फ कंट्री के लिए अप्लाई कर दे तो आज अप्लाई कर दे तो 2-3 दिन में विजिट वीजा मिल जाता है, ऐसे कनाडा का नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कनाडा विजिट वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो ये अच्छा प्रोफेशनल हायर करो, उससे आप अप्लाई करवाओ। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई कमी होगा जो आपकी प्रोफेशनल होगा तो उसे इस चीज़ में बहुत नॉलेज होगा, ये आपको बता देगा ऐसे ऐसे करना है। अगर ये सब आप खुद करना चाहते हो या आपके पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो मैं यही आपको बोलूँगा, इसके लिए आप वर्क परमिट के पीछे भागने के अलावा ये सब के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। आप ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा बने, आपके बैंक फंड के लिए आप प्लानिंग करें, उसके बाद आप कनाडा विजिट वीजा के लिए ट्राई करें। तो दोस्तों यही था कुछ लेटेस्ट अपडेट कनाडा विजिट वीजा के बारे में। लेटेस्ट अपडेट तो नहीं, जैसे कि आप पूछ रहे थे काफ़ी दिनों से सर इज इट पॉसिबल और नॉट, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।